निवासी कुख्यात अपराधकर्मी सद्दाम के गिरोह के सदस्य हैं, जो सद्दाम के इशारे पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात बताए हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम है इसरारुल मियाँ उर्फ इसारुल मियाँ उर्फ इसारुल हक, पिता अनवार मियाँ उर्फ अनवारुल मियाँ उर्फ शेख अनवारुल साकिन मलिक टोला थाना बढ़रिया, रहीम हुसैन पिता मुख्तार मियाँ साकिन खोरमपुर थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज, शहजाद आलम पिता यूसुफ मियाँ उर्फ मोहम्मद साकिन चाप थाना सराय ओपी अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हमारी टीम बढ़रिया में है। आप सबको पता है इसी महीने में 14 तारीख को रात के तकरीबन 8 बजे अपराधियों द्वारा एक दुकान पर गोली चलाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। उसके बाद जस्ट उसके एक दिन बाद यानी 15 तारीख को स्थानीय नेता और व्यापारियों द्वारा रोड जाम कर दिया गया था। उसके बाद प्रशासन के द्वारा FIR हुआ, 17 लोगों पर नामजद FIR हुआ और कुछ अज्ञात लोगों पर भी FIR हुआ है। उसके बाद व्यापारी और स्थानीय नेताओं के द्वारा आज फिर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल धरना थाना के जस्ट बगल में बिल्कुल शांतिपूर्वक दिया गया, जिसमें आवागमन में किसी तरह का कोई बाधित नहीं रहा, लेकिन बढ़रिया के सारा दुकान बंद रहा। उसके बाद वो एक एक अपडेट हम लोगों ने आप सबको दिखाया है और भी जो भी नेता आए थे उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप अपडेट होगा वो आप सुन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सिवान सदर SDPO फिरोज आलम और बढ़रिया थाना प्रभारी पंकज पासवान जी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 14 तारीख को जो घटना घटी थी बढ़रिया में, उसमें जो भी आरोपी थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ उनके साथ मिला है, पैसे मिला है, गन मिला है और इसके अलावा क्या कुछ मिला है, कंप्लीट जानकारी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए सदर SDPO फिरोज आलम का क्या कुछ कहना है सुनिए। सर, 14 तारीख को बढ़रिया में गोली चली थी और उसके बाद से ही लगातार बढ़रिया के व्यवसायी जो हैं वो धरना प्रदर्शन पे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिनांक 14/7/23 को अपाची बाइक पर सवार अपराधकर्मियों द्वारा बढ़रिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़रिया चौक के पास स्थित जायसवाल किराना दुकान पर संध्या करीब 7:30 बजे गोली फायर किया गया। इस घटना में गोली लगने से केक दुकान का स्टाफ गुड्डू कुमार पिता वीरेंद्र महतो साकिन बढ़रू थाना भगवानपुर जिला वैशाली जख्मी हो गया। इस घटना के उद्भेदन और संलिप्त अपराधकर्मियों की पहचान हेतु मेरे नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा STF और DIU के सहयोग से अनुसंधान करते हुए और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापामारी करते हुए दिनांक 19/7/2023 को बढ़रिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेतहली स्थित अजीजुल मियाँ के लीची के बगीचा से 3 अपराध कर्मियों को अवैध अग्नेशास्त्र कारतूस और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने इस गोलीबारी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की है और इन्होंने बताया कि 6 जुलाई को तुरकाहा गोसाई टोला के जमीन कारोबारी राजेश यादव को गोली मारने में इनकी संलिप्तता थी और गोपालगंज जिला के डुमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोतर स्थित ICICI बैंक लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता को इन लोगों ने स्वीकार किया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी बढ़रिया थाना क्षेत्र के ग्राम सावाना कुख्यात अपराधकर्मी सद्दाम के गिरोह के सदस्य हैं, जो सद्दाम के इशारे पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात बताए हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम है इसरारुल मियाँ उर्फ इसारुल मियाँ उर्फ इसारुल हक, पिता अनवार मियाँ उर्फ अनवारुल मियाँ उर्फ शेख अनवारुल साकिन मलिक टोला थाना बढ़रिया, रहीम हुसैन पिता मुख्तार मियाँ साकिन खोरमपुर थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज, शहजाद आलम पिता यूसुफ मियाँ उर्फ मोहम्मद साकिन चाप थाना सराय ओपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, एक लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस 5, चरस 984 ग्राम, एक अपाची मोटरसाइकिल और 6,15,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। सर, सिवान पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहा जा रहा है साफ तौर पे कि ये जो पूरा मामला बढ़रिया में हो रहा है सद्दाम के द्वारा किया जा रहा है और व्यवसायी अब सद्दाम की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, कब तक हो पाएगी सर?
सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जल्द ही हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर बढ़िया, वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या उनका आश्वासन आप लोगों ने दिया है? हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि जो अपराधी हैं उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है, और उनका जो सरगना है सद्दाम उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। सर बढ़िया, क्या व्यवसायी लोग अंदर भय है, कैसे दूर करेंगे आप? इसी भय को दूर करने के लिए जिस अपराधी ने गोली चलाया उसको हम लोगों ने पकड़ा, और सद्दाम को भी हम लोग जल्द पकड़ लेंगे। बढ़िया थाने की पुलिस और प्रभारी से भी लोग नाराज हो रहे हैं, सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। देखेंगे, जो विधि से मत करवाई होगी हम लोग करेंगे। क्या सर, जो लगता है कि बाजार बंद है वो खुलेगा, आश्वासन ऐसा? जी बाजार खुल जाएगा, आज ही खुल जाएगा। सर व्यवसायी लोग कह रहे हैं कि 17-18 लोगों पे केस कर दिया गया है, तो फिर इन लोगों को बोल, हम लोग निर्दोष थे उस वक्त, हम लोग लाठी भाला नहीं लेकर आए थे, लेकिन कैसे ये मैनेज था? देखेंगे, सुपरविजन में देखेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। थैंक यू।